अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन डीसी से मैं जहाज़े बनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज अमेरिका के अंदर एक बड़ी न्यूज थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ी सी आपको भी बताया जाए कि इतनी बड़ी यहाँ पर अपडेट हुई है। न्यूयॉर्क के अंदर जो पाकिस्तानी मिशन है यूएन के अंदर, हमारे सफीर हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने एक डॉजियर पेश किया है यूएन के अंदर। एक आसान अल्फाज में एक दस्तावेजी सबूत है भारत के खिलाफ कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है और किस तरीके से कालादम तंजीमों को पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये पास से मौजूद है डॉजर की एक कॉपी, कुछ इसमें पॉइंट्स से अहम और इसी पर हम बात करेंगे। आप मेहमानों का तारुफ करा दूं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पैनल के ऊपर, जनाब अनवर इकबाल साहब डॉन न्यूज पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनके साथ फैज रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के चीफ रह चुके हैं, एवाई न्यूज के भी चीफ रह चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सर ये जो डॉजियर पेश किया गया है, वैसे तो पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के दस्तावेजी सबूत जो है भारत के खिलाफ हम यूएन के अंदर जमा कराते रहे हैं, और इसमें तो शुरू ये यहां से बात हो रहा था कि पाकिस्तान 9/11 के बाद फ्रंट लाइन स्टेट रहा और जानो माल की कुर्बानियां दी, और इस दौरान भारत दहशतगर्दी के नेटवर्क को जो है वो मजबूत करता रहा और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। इसमें काफी तंजीमों के नाम लिए गए हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हिजबुल एहरार, जमात उल एहरार, लश्कर इस्लाम, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच रिपब्लिकन आर्मी। सीपैक के खिलाफ भी भारत जो कर रहा है उसके सबूत भी इसके अंदर मौजूद हैं। और इस पर इसी पर अनवर इकबाल साहब आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और आपने भी सवालात किए एम्बेसडर साहब से, कुछ नई बात है इस डॉजियर के अंदर? क्योंकि ये तो मुझे तो रट चुका है पिछले 3-4 साल से वही बातें। इसमें नई और पुरानी बात क्या होनी है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा है और है, और हमारे जो जो कशीदगी है तो हम दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ कोई भी मौका मिले हम जाने नहीं देते। तो इस वक्त चूंकि भारत भी एक इसी तरह डोजियर लेके आया पाकिस्तान के बारे में, तो हमें भी जाहिर ये था कि हम भी उसका जवाब देते, तो ये तो जवाबी गजल है और उसके अलावा जरूरी भी है। मतलब ऐसा जरूरी इसलिए है कि जाहिर आप मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। अब उसमें मसला यह होता है कि हमारे जो अवाम है ना, उन बेचारों का मसला यह है कि वो ये चाहते हैं कि अक्वाम मुत्तहदा के बारे में हमारे जिस तरह IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में ये समझा जाता है कि ये इमदाद देते हैं, वो नहीं देते, वो बैंक है, कर्जा देते हैं सूद पर, इसी तरह अक्वाम मुत्तहदा के बारे में समझा जाता है कि मसाइल हल कराता है, वो मसाइल हल नहीं कराता। कहीं अगर कभी इतफाकन इतफाक हो जाए दुनिया के सब ममालिक का तो कभी कहीं पेशरफ हो जाती, वरना अक्वाम मुत्तहदा एक प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा जो हर मुल्क को मौका देता है, छोटे से छोटे मुल्क को भी, कि बड़े प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात कर सकें। तो आम हालात में उनकी बात जो नहीं सुनी जाती वो यहां भी सुनी जाती है। अब मसलन भारत और पाकिस्तान का 6 गुना फर्क है साइज में, और मईशत में बहुत ज्यादा फर्क हो गया, 10 गुना ज्यादा उनकी मईशत हो गई है। तो आप अक्वाम मुत्तहदा में लेकिन जब वो बात करते हैं तो आप उनके बराबरी में बात करते हैं, आपकी बात सुनी जाती है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम अपने अपनी बात इफेक्टिव अंदाज से रखें, और मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि भारत इन्वॉल्व है, लेकिन और हमने अपनी बात रखी है, बस इससे ज्यादा कोई तवक्को रखना भी गलत होगा। रहमान साहब आपके ख्याल में गुज़िश्ता 12-15 सालों के अंदर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी उसमें भारत का एक खास रोल देखा गया? उससे पहले भी खैर इक्का दुक्का वाकयात होते थे, लेकिन ये बात तो खैर दुरुस्त है इस दस्तावेजी सबूत के अंदर कि जितनी भी कालादम तंजीमें हैं उनको भारत ट्रेनिंग भी दे रहा है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है और उनकी प्लानिंग भी कर रहा है, उनको पनाह भी दे रखी है, अफगानिस्तान में भी सपोर्ट हो रही है, इतना ज्यादा क्यों मामला ये बिगड़ता जा रहा है मुसलसल? जहाज़े सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, इट्स एन ऑनर, थैंक यू। देखिए बात वही है जो ये अनवर साहब ने कही कि ये जब भी इस किस्म का कोई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लिया जाता है तो वो एक कसीरुल जहद और कसीरुल मकासिद होता है। इसके कानूनी पहलू एक तरफ ज़ाहिर है कि आप इसका कोई कानूनी हल तो ऐसे नहीं निकाल सकते कि आप भारत को मुजरिम गर्दान दें, लेकिन ज़ाहिर है कि भारत आपके साथ जो भी करता रहा है, मुख्तलिफ जो वहाँ वाकयात हुए भारत में उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया और पाकिस्तान को मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर लाके खड़ा किया गया, उन्होंने सबूत पेश करने की भी कोशिश की, तो
उस तरफ से भी ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं और ज़ाहिर है हमारी तरफ से भी ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और भारत दोनों आपस में बदकिस्मती से दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन गर्दानते हैं। और जैसे कि बड़ा बड़ा ही घिसा पिटा मुहावरा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन यू नो लव एंड वॉर, तो वही है कि ठीक है हम आपके खिलाफ करेंगे आप हमारे खिलाफ करें। लेकिन जैसे कि मैं अनवर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं और उनकी तायद करता हूं कि ये चीजें ऐसी हैं जिनको आपको सामने लाना जरूरी है। लेकिन उसके बाद अब ये है कि नेक्स्ट मरहला आप ये देखिए कि इससे पहले हमारे पास कराची के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और सबूत पेश किए गए भारतीय इन्वॉल्वमेंट के। एक खास हमारी तंजीम, बल्कि खास क्या मैं उसका नाम लेता हूँ, एमक्यूएम के बारे में बहुत सी बातें हुई, सबूत पेश किए गए, सब कुछ हुआ। मैं आपको पीरी मुशर्रफ दौर में ले जाऊं तो यू नो जिनापुर के झंडे वो नक्शे निकाले गए, झंडे दिखाए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन और आवाम ने यकीन भी किया और उसमें मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी गलत बयानी भी नहीं थी। उस तंजीम के कई लोग ऐसे थे जो भारत में, जिन्होंने तरबियत पाई है भारत में जाकर रहे, उसकी मैं शिद्दत से और उससे मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कहाँ तक वो मौसर रहा, कितने पैसे मिले, क्या मिले। लेकिन देखिए हुआ क्या हुआ, ये कि फिर वही जैसे मुशर्रफ साहब आए तमाम उनके गुनाह धुल गए और उनको फिर एक यू नो एक कौमी धारे में शामिल करने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद फिर उनको वो एक दूसरे 10 इल्जाम लगा के अलग कर दिया गया। तो यही बात जो है आपकी दूसरी तंजीमों के बारे में भी है। अच्छा फिर आप वॉशिंगटन में रह के आप यहाँ जानते हैं अच्छी तरह, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा तंजीमों के और अफराद के, लेकिन अभी देखिए खुद हालिया आपने जो कुछ चीजें पेश की हैं तो सबको मालूम है, और उनके अपने एतराफ के बावजूद कि हाँ मतलब यू नो भारत से कुछ लोगों को मदद मिलती रही है, पैसे मिलते रहे हैं, बाकायदा सिफारती सतह पर उनको उनको ताईद दी गई है, लेकिन अभी भी उनके लिए दरवाजे वहां के खुले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असल जो मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ वो हमारी रियासत की क्रेडिबिलिटी का मामला है कि जब आप इतने हाई लेवल पर जाकर, अगेन मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे भी और अनवर साहब से भी कि जो बातें इसमें की गई हैं, इसमें हमें तफसीलात में जाए बगैर भी मुझे यकीन है कि जो कुछ भी कहा गया होगा बिल्कुल सही कहा गया होगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो अनहोनी है। लेकिन होता क्या है कि अगर फर्ज कीजिए कि कल ही कल ये लोग अगर बलूचिस्तान में आपको हुकूमत बनाने में मदद दे दें, यही ग्रुप्स वहां, फिर कुछ यू नो सेनेट की कुछ सीटों का मसला हो जाए या सेनेट के चेयरमैन की बात हो जाए, तो फिर यही ग्रुप्स जो हैं वो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। तो नतीजा ये होता है कि मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि भाई जो आपने इतनी सारी बढ़ चढ़ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, नक्शे पेश किए थे और डॉजियर्स पेश किए थे, अब क्या हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि आप ये जरूर करें, इसमें कोई शक नहीं है, एक अच्छा कम से कम एक मुंह बंद करने के लिए और एक काउंटर ऑफेंसिव के तौर पर, अगर कल कला को भारत हमको किसी बात का मौरद इल्जाम ठहराता है तो हमारे पास एक दस्तावेजी सबूत मौजूद है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी अर्कतेजी के साथ तैयार किया, मुझे यकीन है कि पूरी बात। आप यानी कि आपकी बात से महसूस हो रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की, वाज़ह पॉलिसी नहीं है, और आप में वो यानी कहना चाहिए कि जो कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं इस्तेकामत, और इस्तेकामत ठीक है होना चाहिए, लेकिन जब हम वो इस्तेकामत को अपने छोटे मोटे सियासी फायदों के लिए कुर्बान कर देते हैं, अलग छोटे मोटे फायदों के लिए, सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ के लिए, और ये हमारी पूरी हिस्ट्री है। देखिए मैं आपको शुरू से लेकर चलता हूँ, शुरू से क्या छोड़िए, अभी थोड़ा सा आपको मालूम है गुलाम मुस्तफा खर साहब वजीर आला थे पंजाब के, सबसे बड़े सूबे के वजीर आला, बहुत अहम मनासिब पे रहे। उन्होंने जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, पीपल्स पार्टी को अलग किया गया, जिया ने सबको, जिया उलक ने मार्शल लगाया, सबको लोगों को भगाया, तो आपको मालूम है ना क्या हुआ था। मुर्तुजा भुट्टो ने जाके मुर्तुजा बनाए, तैयारा हुआ हुआ, लेकिन वही मुर्तुजा भुट्टो फिर वापस भी आए। गुलाम मुस्तफा खर ने बबांगे दहल ये कहा था कि मैं भारतीय टैंक्स पर बैठ कर लाहौर जाऊंगा, कहा था ना, लेकिन वही गुलाम मुस्तफा खर जब पाकिस्तान वापस आए तो फिर हाथों हाथ लिए गए,
वही गुलाम मुस्तफा खैर हमारे बड़े महबूब कायद नवाज शरीफ साहब के जब वो वापस तशरीफ ला रहे थे जिला वतनी से, तो वो उनके साथ बैठे थे उसी तैयारी के साथ, उनके साथ उतरे पाकिस्तान में। तो ये जो बात, और इसमें देखिए इसमें कोई बात भी नहीं, तो सारे उनके क्लिप्स मौजूद हैं। और मैं तो एक छोटी मोटी मिसाल दे रहा हूँ चूंकि वक्त कम है, अगर आप शुरू से पूरा एक वो लगाएं तो इन लोगों को, तो हमने खुद जो है अपने अवाम आप सर जिन अफराद की बात कर रहे हैं उन्हें हम कह सकते हैं सियासतदान, आप सियासतदानों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो हिजबुल अहरार है, जमातुल अहरार है, तरीके तालिबान पाकिस्तान है, बीएलए सियासी जमात है, ये सब सियासी, इनके सियासी रोल्स हैं इन लोगों के सारे, इनके सियासी मुतालबात हैं, सियासी मकासद हैं। और ये कोई इनको आप ठीक है, अब जैसे देखिए ना, आपने तो एमपीएम को भी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया, आपने नैप को जो नेशनल अवामी पार्टी थी उसको आपने एक इसी नौयत की एक्सट्रीमिस्ट तंजीम कह के उस पर बैन लगा दिया था। तो वो ये भुट्टो साहब के जमाने में हुआ था। तो ये हम लोग इसमें सब जो है बराबर के शरीक हैं। लेकिन देखिए इस मौके पर जहाजिब मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं इस अहम इकदाम को डाइल्यूट करूं, इसकी अहमियत अपनी जगह है। और इसमें हमें कम से कम ये फायदा है पाकिस्तानी अवाम को कि एक उनको एक काउंटर आर्गुमेंट के तौर पर आपकी चीजें सामने आई हैं कि हाँ अगर आप पर इल्जाम लगाए जाते हैं तो यहाँ पर भी ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिनके लिए हमारे पास दस्तावेज सबूत हैं और हमको इसका खैर मुकदम करना चाहिए। अनवर इकबाल साहब आपके ख्याल में इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करना मकसद है ऐसे डॉजियर्स का, तो अब आपको महसूस हो रहा है कि हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिल पाएगी और कोई इकदाम हो पाएंगे भारत के खिलाफ? वो अलग बात है कि मोदी के बड़े क्लोजेस्ट फ्रेंड ट्रंप साहब अब इंतखाबात नहीं जीत पाए, लेकिन आपके ख्याल में कुछ हिलजुल होगी? भाई कई पहलू हैं सारे मसले के। पहली बात तो यह है कि जिस तरह फैसा आपने कहा, मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद तंजीमें हैं वो कौम परस्त हों या किसी किस्म की तंजीम, एक जमाने में पाकिस्तान में सोशलिस्ट तंजीम होना जो समझा जाता था, ठीक है ना, वो आपके तंजीमें हैं और उनको आप अगर उनसे इज्तनाब करेंगे तो आप उनको पुश करेंगे बाहर की तरफ और वो फिर जो आपके बॉर्डर से बाहर जाके वो मजबूर होंगे अब कार्रवाई करने पे। तो बेहतर तरीका ये है कि उनसे इंगेज रखा जाए, गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए मुल्क के अंदर, और वो आपके लिए और मुल्क के लिए सबके लिए मुफीद होगा। वो मैं नहीं समझता कि कोई शख्स अगर अपने हकूक या अपने मसाइल पे आवाज उठाता है तो वो करता रहे, लेकिन अगर कुछ लोग हैं ऐसे जो कि भारत से मदद ले रहे हैं और भारत की मदद से पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी कर रहे हैं तो जाहिर है एक रियासत के तौर पे पाकिस्तान को हक हासिल है, नंबर वन कि उनका मुकाबला करे, नंबर टू उन फोर्सेस को एक्सपोज करे जो उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो अब इसमें क्या होगा, आप किस हद तक कामयाब होंगे? देखिए कामयाबी आपको तो उसी हद तक मिलती है जिस हद तक आपका वो उन्होंने कहा था ना कि इस्तकामत हो, इस्तकामत का ताल्लुक भी आपकी कामत से होता है। जितना आपका कद होता है उतनी आप में मजबूती होती है, जितने आप कदम मजबूत होते हैं उतनी आप कदम जमा सकते हैं। तो बात यह है कि आप एक माशी तौर पर वीक मुल्क, एक सियासी तौर पर खलफशार का शिकार मुल्क अपने कितने इस्तकामत से कोई बात कर सकता है? अनवर इकबाल साहब आप मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप बहुत सीनियर सहाफी हैं, आपकी मैंने उस जमाने की खबरें भी आपने मुझसे शेयर की थी जब आपका मेरा मिलना जुलना शुरू हुआ, जियाउल्लाह के जमाने से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, माशाल्लाह इतने आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वहां से लेके यहां तक का एक अरसा दराज गुजर चुका है, आपको कोई तब्दीली नजर आई इन पॉलिसीज के अंदर या इन मामलात के अंदर कि जो आप पहले तो आप किसी को पकड़ के आप दहशतगर्द, मसलन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सपोर्ट करने वाले सारे एक जमाने में दहशतगर्द मुल्क दुश्मन थे, ठीक है, और लीबिया चले गए और शाम चले गए, उधर चले गए, वो फिर जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो उनको आप गले लगा लेते हैं मफादात के तहत, फिर वो कहते हैं मुहब्बे वतन है। इसी तरह आपने एएनपी के साथ किया, इसी तरह एमक्यूएम के साथ किया। बात यह है एक तो लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि ये लाइन है और जो ये लाइन क्रॉस करेगा उससे दोबारा उसको रिहैबिलिटेट नहीं किया जाएगा पाकिस्तान में, ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है। आपने किया तो फिर आप किसी किस्म की
कोई कभी भी कोई गुंजाइश आपके लिए नहीं होगी मुल्क के अंदर। हमने लाइन, हम हर दफा एक नई लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको मिटा के फिर नई लाइन बना देते हैं। एक तो यह है, दूसरी बात यह है कि फिर मैं वही बात करूंगा कि बाहर से दहशतगर्दी रोकने का जो बेहतरीन तरीका है वो अंदरूनी इस्तेहकाम है, उस पर हम अमल नहीं करते। हम सिर्फ लीपा पोती से काम करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हमारी बात, आप देखें एक जमाने में हमारी बात में असर समझी जाती थी, आहिस्ता 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 हमारा इन्फ्लुएंस कम से कम होता जा रहा है। तो हमें दो चीजों पे बहुत ज्यादा जरूरत है जोर देने की, नंबर वन अपने आप को मजबूत करने की अंदरूनी तौर पर, नंबर दो एक लाइन लगाने की पक्की, और वो हुकूमत ना लगाए उसमें सबको शामिल करें, रेफरेंडम करा लें, अदलिया को शामिल करें, सियासी जमातों के साथ मिलकर सब कुछ करके, और आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिसमें सबको वाजा हो कि ये लाइन क्रॉस नहीं करनी। तो महसूस आपकी गुफ्तगू से ये हो रहा है फैज अहमान साहब के कोई सिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका जो मर्जी आता है अपना सिस्टम अपना क्रिएट करके उस पर मामला शुरू कर देता, तभी इसकी वजह से आज बात हो रहे हैं कि भारत जो है एलओसी के खिलाफ वर्जियां कर रहा है, वहां पर आबादियों को निशाना बना रहा है, दहशत गर्दी भी हो रही है। आपके समझ है कोई? देखिए यही बात है जहाजेब के, एक इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने और अनवर साहब ने आपके सामने पेश रख किए हैं नाजरीन के सामने आपके सामने, वो बिल्कुल वही बातें जो हैं आपको ग्राउंड पर नजर आती हैं। लेकिन एक बात और जो है बहुत वो अहम है मैसेजिंग की। ठीक है हमारे पास चूंकि सियासी इस्तेकाम नहीं है, हमारी मईशत कमजोर है, तो हमको फिर लोगों को गले लगाना पड़ता है, वापस बुलाना पड़ता है, कुछ उनके साथ यू नो ले दे के काम आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन आप देखिए फिर आप मैसेज कैसे देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ बैठे हैं, आप बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही यू नो एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हर जगह जाते हैं नजर आते हैं, अगर आपको आपने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो कि काबिल गिरफ्त समझी जाए किसी भी लिहाज से, ठीक, तो एक ये आपने अपना एक मियार रखा है। अब अगर कोई ऐसा शख्स जो कि सब कुछ उसके नजदीक जायज है उसको वहां पर गले लगा लिया जाता है और आपको इग्नोर किया जाता है या आपको टफ टाइम दिया जाता है क्योंकि आपने कोई अपना जो एक तजिया पेश किया है वो ऐसा पेश किया है जो कि बैलेंस मुतवाजन था, आपने किसी की खुशामद नहीं की, किसी की बरामद नहीं की, आपने बिल्कुल एक जो रियलिटी थी उसको वैसे पेश किया है, तो आप बुरे बन गए, ठीक है। लेकिन वो शख्स जो इससे पहले 10,000 चीजें कर चुका, और मेरे सामने मिसालें हैं ऐसी, हमारे अपने बहुत करीबी लोग जो हैं, बहुत करीबी सहाफी भी ऐसे हैं जो एक जमाने में बिल्कुल पर्सोना नॉन ग्राटा थे हमारे, हमारी सियासत में, हमारी सहाफत में और हमारे कौमी जो इदारे हैं उनके नजदीक, लेकिन उन्होंने जरा सा जनाब आगे पीछे किया और वो बिल्कुल गले मिल गए, सब शीरो शकर हो गया मामला। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आम मैसेज जो दिया जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो या चाहे वो एक सोशल लेवल पर हो, मोरल लेवल पर हो, कि नहीं एवरीथिंग गोज, कि जब तक कि मैं आप के लिए कोई जरूरत का बाइस बन सकता हूं, एज लॉन्ग एज आई स्टे रेलिवेंट, एज लॉन्ग एज आई कैन कॉज यू नो बिगर डैमेज देन यू नो व्हाट यू कैन हैंडल, तो ठीक है मैं आपके लिए एक्सेप्टेबल हूं। तो ये जो मैसेजिंग है ये बड़ी खतरनाक मैसेजिंग है। अच्छा फिर अब देखिए, अब इसमें इसी फहरिस्त में TTP का नाम भी दिया गया है। अब आपको मालूम है ना एक जमाने में कितनी जबरदस्त बहस चलती थी, हमारे मुशर्रफ साहब खड़े रह के बात करते थे, गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड तालिबान गुड मुल्ला बैड मुल्ला, दिस बैड दैट बैड, गुड ये है वो अच्छे हैं। तो उस कुछ चंद अफराद ने अपने हाथ में ये फैसले ले लिए हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। किसी भी इस किस्म के फैसले पर नेशनल कंसेंसस डेवलप नहीं किया जाता। नतीजा ये होता है कि अगर जो मखसूस हल्के के लोग हैं वो तो इसको यू नो इसको सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग जो हमारे जज्बाती हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अक्सरियत जो आवाम की है वो ये सोचने पर अपना सर खुजाने लगते हैं कि भाई ये यार ये बातें तो अभी हमने इनके मुतालिक कुछ और भी सुनी थी। अब तो सोशल मीडिया और आपका जो रेगुलर मीडिया है वो इतना वो है कि बहुत जल्दी सब वीडियोज भी सामने आपके पेश कर देता है। तो ये जो बिल्कुल बात सही है कि भाई इस्तेकामत के साथ साथ कामत भी चाहिए आपको, और आपका इतना कद भी होना चाहिए, उसके बाद आप करें। लेकिन ये वो बातें हैं जो छोटे मुमालिक और आप छोटे एक माशी तौर पर कमतर होते हुए भी कम से कम अपनी अखलाकी बरतरी कायम रखते हुए आप इन चीजों में कंसिस्टेंसी यानी एक इस्तेकामत और एक यू नो एक लगा बंधा रवैया रखें ताकि
दूसरे लोगों को समझने में आसानी। आप जो बात कर रहे हैं, हमारे पास फैज मान साहब जो बात कर रहे हैं, आप म्यूट पर हैं, हो रहा है कि उसमें अपना ठीक है, भारत तो ठीक है शरारतें कर रहा है, और भी जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर है वो मसरूफ अमल है पाकिस्तान के सामने के खिलाफ, लेकिन अपना किबला भी दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है, मगर एक बात बता दूं, भारत के बारे में भी एक बात को मैं ये स्ट्रेस करूंगा कि ये वो भारत नहीं है जो मोदी साहब से पहले का था। जो कांग्रेस की हुकूमत थी वो भी कोई पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन वो बहरहाल एक हद तक जाते थे, उसके बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बातचीत करके को हल करने पे बिलीव करते थे। कश्मीर में भी देखे, उन्होंने कश्मीर के स्टेटस को कभी हाथ नहीं लगाया। वो ये एक ऐसी हुकूमत है जो हर मामले में किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और पाकिस्तान के बारे में उनकी कार्रवाइयां जो हैं वो खतरनाक हैं, और उनकी खतरनाकी में भी इजाफा होगा और कार्रवाइयों की शिद्दत में भी इजाफा होगा। बीजेपी तो इलेक्शन जीत, उसका मुकाबला ये नहीं है जितना से हम कहें, उसके लिए हमें अपने अपने सबसे पहले अपनी सफें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। अब एक वाज़े प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ेंगे, और एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वरना आप यानी आपको पूरी कौम को तैयार करना, बहुत बड़ा खतरा है, इसके लिए आपको पूरी कौम को तैयार करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर रहे हैं। जहां से एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें मैं पूरा मैंने डॉजियर नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि इन तंजीमों के नाम तो दिए गए हैं, लेकिन क्या वो वाकयात भी इसमें नकल किए गए हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने सीपैक के हवाले से बताया कि जो बलोच कौम परस्त जमाते हैं वो बलोच सीपैक को जो है वो डिस्ट्रक्ट। नहीं, मैं एक प्रॉपर मतलब एक इंसिडेंट्स कि हाँ इस तारीख को इस दिन ये वाकया हुआ, उसके पीछे ये तंजीम इन्वॉल्व थी। प्रॉपर डोजियर में है वो, उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बताया ये है, चार पांच नाम दिए, लेकिन उन्होंने वाकयात नहीं शेयर किए। एक आर्मी पब्लिक स्कूल का नाम ले लिया था लेकिन इसमें एक और बात इसमें जो शामिल है इस डोजियर के अंदर फैज़ मान साहब, नहीं लेकिन इसमें सबूत फिर कहां से आया? ये तो एक बयान हुआ ना, ये तो सबूत नहीं है, सबूत हमसे शेयर नहीं किया उन्होंने, कहा हमसे शेयर नहीं किया। इसमें एक और बात उन्होंने लिखी है कि उसने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए जो है एक प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो है 80 अरब रुपए खर्च करके जो है एक सेल बनाया गया है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की डायरेक्ट रिपोर्ट वजीर 500 मिलियन डॉलर्स का, जी जी 80 अरब लिखा। और इन्होंने बताया कि तकरीबन इन्होंने 22 अरब रुपए खर्च किए हैं तो इसके वही बात है कि शवाहिद खैर हम मीडिया से शेयर नहीं किए, वो शायद उन्होंने यूएन के साथ ही शेयर किए होंगे। लेकिन फैज रहमान साहब यहाँ पर एक बात और बड़ी अहम है कि सारा मामला कश्मीर को लेकर ही शुरू होता है और कश्मीर को लेकर ही खत्म होता है। अगर कश्मीर का मामला हल हो जाए तो शायद इतनी दुश्मनी और इतना वाला मामला इस हद तक ना जाए आपके ख्याल में? देखिए हम लोग तो यही कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है, जाहिर है वो शहरग तो है, लेकिन इन मसाइल की भी शहरग कश्मीरी है, यानी तमाम मसाइल के हमारे आपस में जो सौंकते हैं वो वहीं से फूकते हैं। लेकिन जहां से कश्मीर का मामला देखे ना, आप अब इतना आगे बढ़ चुका है और हमारी अपनी पोजीशन खुद इतनी कमजोर हो चुकी है एक माशी तौर पर, सियासी तौर पर, और आलमी स्टैंडिंग हमारी वो नहीं है कि आप इस मौके पर इवन सियासी या सिफारती सतह पर कोई बहुत बड़ा प्रेशर इंडिया पर डाल सकें। इस वक्त आप अब जो बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है 20 जनवरी को अगले साल, तो चूंकि जो बाइडन ने कुछ चीजों पर एक वाज़े पोजीशन ली है, लेकिन वो बातें वो हैं जो अगेन स्टेटस को पर धकेलने पर समझी जाएंगी। यानी वो उन्होंने ये नहीं कहा कि उस मसले का हल करना, उन्होंने कहा जी आर्टिकल 370 की रिवोकेशन जो थी, जो उन्होंने रिमूव किया है मोदी सरकार ने, उसको वो उस पर उन्होंने एहतजाज किया, उसको कंडेम किया है। कंडेम का लफ्ज़ तो गालिबन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो नापसंदीदा एक उन्होंने चीज की है। ज्यादातर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर है,
जी हाँ वही तो वो अगर होगा भी तो वही यानी स्टेटस को पे चीजें वापस जाएंगी जो इन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया है मोदी गवर्नमेंट ने वहां पर यानी जो आर्टिकल 370 खत्म करके और जो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही हैं और इतना जो लॉकडाउन किया है तो उन्होंने मामला को अब इस तरह आगे बढ़ा दिया है कि अब बात हो रही है इस पर यानी जो असल मसला है कश्मीर का और उसकी खुद मुख्तारी का या वहां पर एक स्वाब राय का रेफरेंड यू नो प्लेबिसाइट का वो सब कुछ पीछे चला गया है ये कहा जा रहा है कि अब क्या करें। अच्छा अब देखिए इसमें हमारी अपनी पोजीशन भी अब हम लोगों को खुल के बात भी करना चाहिए खुद हमारे अपने अंदर भी कंफ्यूजन है। अब मिसाल के तौर पर अब जो गिलगित बल्तिस्तान का जो मामला है अब आपने आपके प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम इसको सूबा बना रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए एक तरफ अगर उसने जम कर लिया है कश्मीर को अपने एक ओवरऑल मेन यू नो मेन लैंड में और तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अहम शिखें हैं मखसूस शिखें कश्मीर के मुतालिक उसको ख़त्म कर दिया है तो अब आप अपने कश्मीर के साथ या कश्मीर के हिस्से के साथ क्या करने जा रहे हैं। मैं कुछ इस पे नतीजा अख्ज नहीं करना चाहता मैं सिर्फ एक पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपके पास खुद ने अंदर भी अगेन वही बात है कंसिस्टेंसी कि अगर आप एक जगह एक मैसेज देते हैं तो क्या एक जेनेवा में बैठा हुआ कोई आलमी मुबसिर या कोई आलमी सिफारतकार वो इसका जवाब क्या दे सकता है उसके पास और क्या जवाब ठीक है हमने ये बात की थी कि जी वहां ये सब कुछ हो रहा है तो वो क्या कहेंगे वो लोग तो खामोश नहीं बैठे ना जैसे आपने कहा हाफ ए बिलियन डॉलर्स दैट्स अ बिग अमाउंट यानी सिर्फ एक इंडिया जैसे एक गरीब मुल्क में एक हैफ 500 मिलियन डॉलर्स का एक पूरा सेल बनाया जाए जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करे उस पर काम करे तो ये हमारे लिए बड़ी जबरदस्त खतरे बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया फैज अहमद साहब आपने अनमोल इकबाल साहब आपसे भी जरा इसी तरफ थोड़ा सा मैं ये बात भी पूछना चाह रहा हूँ आपने भी बराक ओबामा की जो नई किताब आई है आपने उसका एक पीस डॉन के लिए लिखा था उसमें आपने लिखा था कि कश्मीर के हवाले से और जो बीजेपी के हवाले से ओबामा ने बात की थी उसको थोड़ा बताएंगे नाज़रीन के लिए। हाँ बताता हूँ बात यह है जो उन्होंने बात की फैज साहब ने थोड़ा सा उसी से जोड़ता हूँ इसको कि बात यह है कि जो पाकिस्तान जो कुछ डोजे वगैरह पेश करता है जो कोशिशें करता है बिल्कुल रायगां भी नहीं जाती। आप ये देखें कि इवन ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्टें आती हैं उसमें भारत के खिलाफ काफी डैमिंग बातें होती हैं और उनका जिक्र होता है कि भारत ने ये किया ये किया ये किया। अब भारत के साथ ये है कि उसकी एक इसका जो स्टेटस है माशी और सियासी और खासतौर पर स्ट्रेटेजिक स्टेटस इतना बढ़ गया है कि वो बड़े आराम से इन बातों को इग्नोर कर देता है उसमें कोई असर नहीं पड़ता लेकिन पाकिस्तान की बातें रायगा नहीं जाती। और उसमें से एक मिसाल उसकी जो है जो बराक ओबामा साहब ने अपनी किताब में लिखा और मजे की बात है कि बराक ओबामा ने सिर्फ अपनी बात नहीं की है उन बातों में उन्होंने मनमोहन सिंह को कोट किया है और उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह साहब ने उनको बताया कि जो बीजेपी है वो मुसलमानों के खिलाफ फिलिंग्स को एक्सप्लॉइट करती है शासन के लिए और इस तरह वो हमें कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मुसलमानों के खिलाफ ये जो इस तरह के मजहबी तासुब है हमारे यहाँ मुनाफरत जो है वो डिस्टेबलाइज करता है और इस तरह की तीन चार बातें हैं मनमोहन सिंह के हवाले से और जिसकी मनमोहन सिंह साहब ने तर्दीद नहीं की। फिर खुद बराक ओबामा ने लिखा कि एक ऐसा मुल्क जिसमें एक ऐसी जमहूरियत जहां इतना मजहबी तासुब हो जहां इस तरह कास्ट सिस्टम हो और जहां इस तरह वायलेंस हो इस तरह लोगों को मजहब और कास्ट के नाम पे मार दिया जाए और जो हालात हैं इस तरह के हों तो उसमें एक जमहूरी मुल्क कब तक और किस तरह चल सकता है भारतों को भारतीयों को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन बातों का जो है वो असर होता है देखें बराक ओबामा की भी गुफ्तगू में हुआ HRW की रिपोर्टों में होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल में होता है जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो रायगा नहीं जाती इनका इम्पैक्ट जरूर बनता है। अब मसलन के भारत को भी बात समझनी चाहिए कि वो ठीक है उनका कद बड़ा है वो सब कुछ करके बच जाते हैं मगर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी पे बातें होंगी कि दुनिया में शऊर बढ़ रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो अब जो कमला हारिस हैं वो उनकी माँ भारतीय जरूर थी लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ उनका जो बैकग्राउंड है ह्यूमन राइट्स का तो अगर बड़े पैमाने पे कहीं ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हुई कश्मीर में या भारत में कहीं भी वो भी बोलेंगी और दूसरे लोग भी बोलेंगे।
कमला हैरिस के हवाले से पढ़ रहा था कहीं पर, वो तो उनका तो खुद खानदान जो था भारत के अंदर, वो इस्लाम पाक का मामला था उनका तो काफी उनकी, अगर मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ वो एक न्यूज से, क्योंकि वो भी जो निचली जात को जो है जिस किसी उनका रवैया अपनाया जाता था उनके, तो पूरे वालदा के खानदान की तरफ से वो सारी चीजें मैंने देखी है पढ़ी है उस पर। तो कमला हैरिस आपके ख्याल में कुछ बात कर पाएंगी इंसाफ वाली? करेंगी, क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड है ह्यूमन राइट्स का, करेंगी। देखिए बिल्कुल इसमें ये नहीं समझा जाए कि हम भारत कोई एक बिल्कुल एक यूनिफाइड मुल्क नहीं है, यानी वहां ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक होमोजेनस सब उसके साथ लगे हुए हैं और वहां मसाइल नहीं है। भारत में बेपना मसाइल हैं और इस वक्त ये एक जुज्व जो है पाकिस्तान ने उसकी तरफ इशारा किया है, और मैं अनवर साहब से इत्तेफाक करता हूँ, मुत्तफिक हूँ उनके बात से कि इन चीज़ों का असर पड़ता है, ज़रूर असर पड़ता है। लेकिन अब इसके बाद आप आइए, अब क्या करना है? अब ठीक है सब कुछ हो गया, आपने ये सारे पत्ते खोल के रख दिए सामने। एक मुझे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक बात याद आ रही है, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये बात की जब ये डॉजी वहां पेश किया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स इस तरह से खुले आम पेश करने से अवाम में थोड़ा सा एक खौफ हिरास फैल सकता है। खुसूसन देखिए अब आप जैसे ये हैफ ए बिलियन डॉलर्स सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान जो एक गरीब मुल्क है जिस जो आजकल बेपनाह मसाइल का शिकार है, एक इतना बड़ा मुल्क अगर वो हैफ ए बिलियन डॉलर्स 500 मिलियन डॉलर्स वो लगाकर अगर पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करे तो क्या होगा उसका? उसका नतीजा यही निकलेगा कि अवाम जाहिर है कि कम अज कम मुझ जैसे लोगों को और तशवीश लाख होगी भाई वाकई क्या होना चाहिए। तो सही है ये सब बातें करें, हर लेवल पे करें, जहां जहां हमारा बस चलता है हमको उसका मुकाबला करना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी दो चीजें बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए जो हम इन तमाम चीजों का मुकाबला कर सकते हैं, हमें मालूम है। और गालिबा अभी देखिए जहां से आपने भी मेरा ख्याल जो इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी आपने ये कहा था कि ये सब कुछ हो रहा है हम जानते हैं, तो हमने इसको रोका क्यों नहीं? ये तमाम वाकयात हुए थे, अगर ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद थी और ये वक्तन फवक्तन हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी तो हमारे हमारी अपनी भी तो कमजोरियां हम वाजे कर रहे हैं कि ये सब लोग जो बजाहिर पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, वो एक दुश्मन मुल्क के साथ क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? आप ये देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 7.5 करोड़ पूरे 7.5 करोड़ नहीं तकरीबन 7 करोड़ 30 लाख 40 लाख के करीब जो वोट्स लिए हैं, तो वो इतनी बड़ी वोटों की तादाद है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इलेक्टोरेट कि उसकी वजह से लोग बहुत मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी रिपब्लिकन पार्टी के लोग वो नहीं चाहते कि वो इतनी बड़ी जो एक तादाद है वोटर्स की उनको उनको अपसेट ना किया जाए, उनको नाराज ना किया जाए, उनको साथ लेकर चला जाए, क्योंकि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी दिमाग घुमा हुआ है, उनको हकीकत नजर नहीं आ रही। लिहाजा अभी बहुत ही जचे तुले अल्फाज में रिपब्लिकन पार्टी के लोग अपना मतमय नजर बयान कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर आप इस चीज को वहां ले जाएं पाकिस्तान में तो नवाज शरीफ की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, आप उस पार्टी के वोटर्स का तो ख्याल करें। बिल्कुल हालात उस मकाम तक जाए ना कि इस तरह के बयान की इस तरह की चीजें आई जाए, क्योंकि और यही देखिए मैं यही बात कराची के हवाले से कहूंगा, आज कराची का जो इतना बुरा हाल है मैं आपको बता नहीं सकता कि वहां क्या हालात हैं। ठीक है ना, इस वक्त आप जो ये कॉल्स आती हैं या जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, कराची बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है हर लिहाज से। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने वहां तकसीम दर तकसीम का अमल शुरू कर दिया। मैं किसी एक ग्रुप की, किसी एक पार्टी की, किसी एक सियासी जमात की ताइद में ना कुछ कहूंगा ना मुखालिफत में कुछ कहूंगा, लेकिन आपने सिर्फ अपने छोटे मोटे सियासी मकासद के लिए, छोटे मोटे जोड़ तोड़ के लिए उस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। वो शहर अब रहने के काबिल नहीं रहा। तो वो लोग अब अगर फर्ज कीजिए कि अब वो सब अब ये अब कराची से सारे लोग भाग भाग के कनाडा जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, क्यों अपना मुल्क छोड़ रहे हैं वो? क्या वो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं कि अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? ये भी तो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, अगर कोई अपने मुल्क से निकलता है वहां के हालात की वजह से तो वो भी तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। नाज़रीन नेक्स्ट डिस्कशन तक के लिए जहां से बली को फैज़ इमान साहब को और अमित बार साहब को वॉशिंगटन डीसी से इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।